झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए पहला खबर स्टार्ट करते हैं धनबाद से। राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर किया जाएगा जिला स्तरीय समारोह का आयोजन। आगामी 29 दिसंबर को राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस विषय को लेकर कल उपायुक्त उमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त ने एक बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को 15 दिसंबर तक उनके विभाग क्या क्या कर सकते हैं उनकी सूची सौंपने का दिशा निर्देश दिया। कोरोना वैक्सीनेशन पर सरकार का बड़ा प्लान, बजट में कर सकती है 80,000 करोड़ के खर्च प्रावधान। कोरोना काल में 1 फरवरी 2021 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य प्रणाली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कोरोना वैक्सीन की खरीद, उसके भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए विशेष घोषणा कर सकती है। इसके साथ ही जन स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को कोरोना काल का पहला सालाना बजट पेश करेगी। बीजेपी विधायक रणधीर सिंह को प्रशासन ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेट, शुरू हुआ सामान की पैकिंग। सारण के बीजेपी विधायक रणधीर सिंह को सरकारी आवास खाली करने के लिए रांची जिला प्रशासन की ओर से 48 घंटा का अल्टीमेट दिया गया है। अगर इस अवधि में अगर विधायक ने आवास खाली नहीं किया तो जबरन उनका सामान घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। दंडाधिकारी शशि नीलिमा डुंगडुंग की अगुवाई में जिला प्रशासन की टीम सरकारी आवास खाली कराने पहुंची थी। विधायक ने कर्मी ने बताया कि सामान की पैकिंग शुरू हो चुकी है, अगले 2-3 दिन में आवास खाली कर देंगे। दंडाधिकारी सीसी लीनिमा डुंगडुंग ने बताया कि विधायक की ओर से सामान की पैकिंग शुरू कर दी गई है, इसके लिए 2 दिन का समय मांगा गया है। अगर 48 घंटे में आवास खाली कर देते हैं तो उनकी इतनी देर की मोहलत दी जाएगी। इसके बाद भी विधायक आवास खाली नहीं करते हैं तो जबरन आवास खाली कराया जाएगा। इससे पहले शनिवार सुबह पूरे दल बल के साथ जिला प्रशासन की टीम आवास खाली कराने पहुंची थी। यह खबर है गुमला से। अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बेचने के आरोप में एक गिरफ्तार, 40 बोतलें जब्त। कुरकुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत 73 टोली गांव में एक किराना दुकान पर छापेमारी कर पुलिस ने अवैध रूप से बेची जा रही अंग्रेजी शराब बरामद की। कुल 40 छोटी बड़ी बोतलें जब्त की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह जानकारी थाना प्रभारी छोटू उराव ने दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संदीप जायसवाल उर्फ संजू जायसवाल के किराने दुकान पर अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री होती है। उसी आधार पर शुक्रवार की देर शाम में कुरकुरा पुलिस की टीम ने उस दुकान में छापेमारी की। पुलिस ने 50 छोटी बड़ी अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की। वहीं आरोपी संदीप जायसवाल उर्फ संजू जायसवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। खबर है हजारीबाग से। सर्विस देने के नाम पर ठगी करने वाले दो साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार, बरकट्टा पुलिस ने भेजा जेल। झारखंड के जामताड़ा जिले के बाद हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र में भी अब साइबर क्रिमिनल अपना पैर पसारने लगे हैं। हर दिन नए नए तरीके से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। इन दिनों बरकट्टा प्रखंड क्षेत्र में साइबर क्रिमिनल लड़कियों एवं महिलाओं की अश्लील फोटो लोगों को भेजकर सर्विस देने के नाम पर ठगी कर रहे हैं। पुलिस भी इन साइबर क्रिमिनल पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाती है। इसी कड़ी में बरकट्टा थाना क्षेत्र की पुलिस ने गगट पाचो स्थित बाबा रेस्टोरेंट में छापेमारी कर दो साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि शुक्रवार की शाम बरकट्टा थाना प्रभारी विद्या सागर चौरसिया ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने ग्राम गगपच्चो स्थित बाबा रेस्टोरेंट में छापेमारी कर दो साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि उक्त रेस्टोरेंट में कुछ लड़कों द्वारा एकत्रित होकर मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों से ठगी कर रहे हैं। खबर है रांची से। खाताधारियों के नाम पर पूर्व पोस्टमास्टर ने ले लिया 32 लाख का लोन। ओसीसी कंपाउंड स्थित उप डाकघर के दो पूर्व पोस्टमास्टर ने एजेंट के सहयोग से 72 ग्राहकों के नाम पर 32 लाख का लोन ले लिया है। इसकी जानकारी ग्राहकों ने पोस्ट ऑफिस के वरीय अधिकारियों को दी। इसके बाद मामले की जांच कराई गई है।
और डेली मार्केट थाना में डाक निरीक्षक सी कुमार सिंह के बयान पर दो पूर्व पोस्टमास्टर प्रमोद कुमार व चित्रंजन कुमार तथा एक महिला एजेंट उसके सहयोगी शुभम गुप्ता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। डाकघरों के ग्राहकों ने इस मामले की जानकारी 6 माह पूर्व ही पोस्ट ऑफिस के वरीय पदाधिकारियों को दी थी। उसके बाद विभाग ने अपने स्तर से जांच कर दोनों पोस्टमास्टर को सस्पेंड कर दिया था। धोखाधड़ी का यह धंधा पिछले 4 सालों से यानी वर्ष 2016 से ही चलता आ रहा है। संबंधित ग्राहकों का उक्त उप डाकघर में 20,000 से लेकर 1,00,000 तक के रैंकिंग डिपॉजिट का अकाउंट है, उसी पर लोन लेने गए थे। यह खबर भी रांची से ही है। डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज सरकारी व निजी अस्पतालों की ओपीडी सेवा बाधित। आयुर्वेद डॉक्टरों को 6 माह का प्रशिक्षण लेकर सर्जरी की अनुमति देने पर शुक्रवार को राज्य के डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय IMA के आह्वान पर झारखंड के भी सभी सरकारी व निजी अस्पताल के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया, इससे ओपीडी सेवा बाधित रही। डॉक्टर अस्पताल तो आए लेकिन ओपीडी में मरीज को परामर्श नहीं दिया। रिम्स सहित राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल व PHC CHC में ओपीडी सेवा बंद रही। दूर दराज से आए मरीजों को कार्य बहिष्कार की जानकारी नहीं होने से परेशानियां का सामना करना पड़ा। IMA के राज्य सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह व झांसा के राज्य सचिव डॉक्टर बिमलेश सिंह ने राज्य के कार्य बहिष्कार को पूरी तरह सफल बताया है। अब खबर जाने थोड़ी मौसम विभाग से। आज से हो सकती है बूंदाबांदी थोड़ी बारिश, अगले 4 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। रांची में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। शनिवार की सुबह आंशिक बादल और कोहरे के साथ हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रविवार को रांची समेत झारखंड को कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर तक मौसम के इसी तरह बने रहने के आसार है। बादल छंटने के बाद ठंड में अचानक तेजी भी आएगी। अभिषेक आनंद ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी। कुछ इलाकों में इसकी शुरुआत हो भी गई है। अगले 2 से 3 दिन में इसका प्रभाव झारखंड और बिहार में देखने को मिलेगा। पहाड़ों से आने वाली बर्फीली हवा यहां ठंड बढ़ाएगी। अब खबर जाने थोड़ी ट्रेन अपडेट से। रांची और बोकारो के बीच 14 दिसंबर से पैसेंजर ट्रेन की होगी शुरुआत। काउंटर से बुक करा सकेंगे टिकट। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेलवे स्टेशन से लगातार ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब अनलॉक के बाद पहली बार रांची रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 14 दिसंबर से यह ट्रेन रोजाना रांची से बोकारो के बीच चलेगी। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने बताया कि हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। खबर देश दुनिया और देश की विभिन्न योजनाओं और खेलों से। मोदी तुम्हारा नेता नहीं तो पतली गली से निकल लो, रोहित सरदाना का वायरल हुआ वीडियो, जानिए ऐसा क्या हुआ। कई दौर की वार्ता के बाद भी किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। उल्टा अब आरोप लगना शुरू हो गया है कि खालिस्तानी अलगाववादियों और दिल्ली दंगों के आरोपियों को इंसाफ दिलाने के लिए इस मंच का गलत इस्तेमाल होने लगा है। सरकार ने किसानों को इन गैर कानूनी तत्वों से बचने के लिए आगाह भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर एंकर रोहित सरदाना का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ पर सवाल किया गया है और बदले में सरदाना ने करारा जवाब दिया है। अक्षम सोनिया गांधी, सांसदों से कटे मनमोहन, मोदी ने कैसे चलाई पहली सरकार, किताब में प्रणब मुखर्जी ने खोल कर गए हैं सारे राज। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद अब उनके स्मरण का अंतिम हिस्सा प्रकाशित होने वाला है, जिससे कांग्रेस आलाकमान को झटका लग सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग की सरकार सत्ता में आई थी। प्रणब मुखर्जी ने पार्टी के इस हार के लिए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इस और भी इंगित किया है कि पार्टी में ये चर्चा थी कि मनमोहन से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होते हैं।
सरकार के नए कृषि कानूनों से शिकायत के 24 घंटे में मिला किसानों को न्याय, जानिए पूरा मामला। एक तरफ जहां किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की ओर से तैयार किए गए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में पहली कार्रवाई हुई है। कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद कंपनी ने धान नहीं खरीदा तो केंद्र सरकार के नए कानून के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। कार्रवाई होने पर कंपनी फिर से किसानों का धान खरीदने पर राजी हुई है। पिता के बयान पर युवराज सिंह ने मांगी माफी, कहा मेरी सोच उनकी जैसी नहीं। क्रिकेटर युवराज सिंह ने अपने पिता योगराज सिंह के विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगी है। युवराज सिंह के किसान आंदोलन के समर्थन में हिंदुओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिस पर काफी बवाल मचा था। सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग भी उठी थी। अब युवराज सिंह ने पिता के बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग है। आधार पर एड्रेस अपडेट करना हुआ बेहद आसान, एम आधार ऐप से झटपट हो जाएगा काम। आधार कार्ड बेहद ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कार्ड धारक की सारी जानकारी होती है। आधार में बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक रिकॉर्ड भी होता है। आधार से संबंधित किसी भी शिकायत या संशोधन के लिए दुकानों के चक्कर लगाने की जरूरत अब नहीं है। खुफिया रिपोर्ट पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, कहा संदिग्ध मिले तो फौरन भेजो जेल। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पास किए गए नए कानून के खिलाफ दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 17 दिन से लगातार किसान आंदोलन जारी है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से कई दफे वार्ता की, लेकिन वे अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और मांगों को लेकर पीछे हटने का तैयार नहीं है। सऊदी अरब ने CCA और NRC का विरोध करने वाले को कहा गेट आउट। भारत ने सऊदी अरब के साथ अपने रिश्तों को मजबूती देने के लिए हाल ही में अपने थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरावने को सऊदी अरब के दौरे पर भेजा। सऊदी अरब भी अपने इस विशेष अतिथि के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यहां तक कि CCA और NRC का विरोध करने वालों को भी सऊदी अरब ने रिपोर्ट करने का काम किया है। उधर तुर्की कश्मीर करता रहा, इधर भारत ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर तुर्की के अवैध कब्जे को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कश्मीर को लेकर तुर्की की ओर से हो रही लगातार बयानबाजी और तुर्की द्वारा कश्मीर में सीरियाई आतंकियों की तैनाती की खबरों के बीच अब भारत ने तुर्की के पड़ोस में जाकर उसे सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी शुरू कर दी है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत ने साइप्रस के साथ ऑक्यूपीडेड साइप्रस क्षेत्र को लेकर चर्चा की है, जो वर्ष 1987 से ही तुर्की के अवैध कब्जे में है। साथ ही साथ भारत ने साइप्रस के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने का फैसला लिया है, जो निश्चित ही अंकार के लिए अच्छी खबर है। जापान में आपका कतई स्वागत नहीं है, जापानी राजदूत का जिनपिंग को सीधा संदेश। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जापान के हाथों बार बार अपनी बद पिटवा रहे हैं और अब एक बार फिर ठीक ऐसा ही हुआ। दरअसल चीन के राष्ट्रपति कोरोना के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर जापान जाना चाहते हैं, ताकि वे आर्थिक और रणनीतिक तौर पर अपने आप को मजबूत दिखा सके। हालांकि जापान ऐसा होने नहीं दे रहा है। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन में मौजूद जापान के राजदूत हिडियो टूर्निमो ने साफ किया है कि दोनों देशों के बीच शी जिनपिंग द्वारा जापान की प्रस्तावित यात्रा को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है और अभी तक इस पर कोई बातचीत करने की स्थिति में भी नहीं है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा परिवार नियोजन जबरन थोप नहीं सकते। देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने की मांग समय समय पर उठती रही है। इस पर केंद्र सरकार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत में किसको कितने बच्चे पैदा करने हैं यह खुद पति पत्नी तय करे, इसमें सरकार को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि वो निश्चित संख्या ही पैदा करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महामारी के संकट में देश ने एक दृढ़ संकल्प दिखाया, आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है।
और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। साथियों, हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। सेना को मिले 325 जमात अधिकारी, उप सेना प्रमुख ने कैडेट को बढ़ाया मनोबल। भारतीय सैन्य अकादमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान सेना में शामिल हुए नए अफसरों का जोश देखते ही बन रहा था। IMA में हुए रंगारंग पासिंग आउट परेड के साथ 325 कैडेट भारतीय सेना के अंग बन गए। इसके साथ ही मित्र देशों के 70 कैडेट ने भी शनिवार को प्रशिक्षण पूरा किया और अपने अपने देशों की सेना भी शामिल हुए। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिन के बंगाल दौरे पर, इस साल ममता के गढ़ में दूसरी यात्रा। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर BJP ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। उनसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 12 दिसंबर शनिवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अगस्त 2019 के बाद से यह उनका 5वां बंगाल दौरा है। नए साल में फोन पर बात करना होगा महंगा, 20% तक महंगे हो सकते हैं सभी कंपनियों के प्लान। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मौजूदा टैरिफ प्लान महंगा है तो आपको बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नए साल में टैरिफ प्लान और महंगे होने वाले हैं। नए साल 2021 में टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ प्लान को 20% तक महंगा करने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि 31 दिसंबर तक सभी कंपनियां अपने नए टैरिफ प्लान का ऐलान कर देगी। खेल जगत से एक बड़ी खबर, रोहित शर्मा का ऑस्ट्रेलिया में भी होगा फिटनेस टेस्ट। BCCI ने बताया पूरा प्लान। टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा को नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने फिर फिट घोषित कर दिया है, लेकिन इस बीच BCCI का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी रोहित का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा। BCCI के मुताबिक इसके बाद ही उनके सीरीज के बाकी 2 मैच में खेलने को फैसला किया जाएगा। बोर्ड ने उनकी फिटनेस को लेकर बयान जारी किया है। रोहित ऑस्ट्रेलिया कब जाएंगे इसको लेकर फिलहाल बोर्ड की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि रोहित अगले 1-2 दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।